क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्वेश्चन 3 इज ऑफ एक्सरसाइज 2.3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, इन फ्रैक्शन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट है 2/5 मल्टीप्लाई 5/1/4 2/5। ठीक है, इसको एज इट इज राइट कर देंगे इस तरीके से। अब 5/1/4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको किसमें बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके, अब ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5/4 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। 5/4 20 1 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 21/4। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं 21/4। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2 42 5/4 20। अब इनका डिवाइड करेंगे, अगर न्यूमरेटर बिग हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो उनका डिवाइड अपन कर सकते हैं। ओके, 20/42 का डिवाइड कर देंगे 22/40 माइनस करेंगे 2 4/4 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं, तो आंसर कितना आ गया 2। ये जो लास्ट 2 है क्वेश्चन में 2 आएगा और जो रिमाइंडर आता है अपसाइड एंड जो डिवाइजर होता है उसको डाउनसाइड। ओके, 2/20 इसको यहां से कट होगा तो कट कर देंगे 2 1 2 2 1 2 0। ठीक है, 2 1/10। ओके, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 6 है 2/5। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6/5 30 30 में जो भी न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे 30+2 32 हो जाएगा। अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं मल्टीप्लाई 7/9। ओके, यहाँ भी कट कर सकते हो अगर कोई डिजिट कट होगी तो, लेकिन अभी कट नहीं हो रही है। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 इन दोनों का और इन दोनों का। ओके, 7/2 14 4 1 कैरी 7/3 21 एंड 1 प्लस करेंगे जो भी कैरी है तो 22 हो जाएगा। अपॉन में 9/5 45। ओके, अब इसका डिवाइड कर देंगे 45 में 224 का डिवाइड 45 है। ठीक है, जैसे कि अपन 2 डिजिट लेते हैं तो ये स्मॉल है तो अपन 3 डिजिट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ नहीं आता है तो 45 के अपन टेबल बना सकते हैं इस तरीके से 45 1 45 45 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 1 कैरी 2 4 8 10 1 9 45 3 से जब तक अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि इससे मीन्स इससे स्मॉल ही होना चाहिए, इससे बिग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 5 15 5 1 कैरी 5 3 4 12 12 1 13 45 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो अब ये देखिए मैंने 5 तक मल्टीप्लाई कर लिया, इससे पता चल गया कि 225 224 से ज्यादा आ गए हैं तो कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, क्योंकि 180। ठीक है, ये तो बिग हो गए तो ये स्मॉल है 180, हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम 180। ओके, अब यहाँ इसमें माइनस कर देंगे 4। ठीक है, 12 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंथ कितना हो जाएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ से 1 बचा 1 में से 1 कुछ नहीं। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया 4 फिर रिमाइंडर वाली डिजिट एंड 45। इस तरीके से लेते हैं अपोजिट 4 4/45। ओके, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 तो 3/2 एज इट इज राइट करेंगे। ओके, अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 3 15 15 में 1 प्लस कर देंगे 16 अपॉन में 3। ठीक है, अब जो भी कट होगा तो कट कर सकते हैं, ये देखिए 3 से 3 कट हो गया, 2 से 16 हो रहा है 2 1 2 2 8 16, तो आंसर अपने पास कितना आ गया 8। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7। ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई
मिक्सचर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 × 2 = 14, ठीक है, 14 and 3 = 17 प्लस कर देंगे, 17 आ जाएगा, अपॉन में 7 अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 5 = 85, अपॉन में 7 × 6 = 42, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे 42 में 85 का, 42 × 1 = 42 और 42 × 2 = 1 लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 84 आ रहा है, 2 times 84, ओके। अब डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 में से 4 = 1, 8 में से 8 कुछ नहीं, तो मिक्सड फ्रैक्शन क्या आ गया, 2 × 1 = 42, ओके, लास्ट से 2 × 1 = 42, ओके, दिस इज आंसर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज 3 × 2 = 5 × 4 = 7, ठीक है, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में, मिक्सड फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 3 = 15, 2 प्लस कर देंगे 17, अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं, अपॉन 5 × 4 = 7, 17 × 4 = 68, 5 × 7 = 35, तो 35 में 68 का डिवाइड करेंगे, 35 × 35 = 35 लेंगे तो 70 ज्यादा हो जाएगा, 35 × 35 माइनस कर दें, कितना बचेगा 3, यहाँ भी कितना बचेगा 3, तो आंसर कितना गया 133/35, ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 × 3/5, तो 3 है, 3 के डाउन अपन 1 लगा सकते हैं। अब इसका मिक्सड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 5 × 2 = 10, 10 में 3 प्लस करेंगे 13, 13/5 × 3/1, 13 × 3 = 39, 5 × 1 = 5, तो 5 में 39 का डिवाइड, 5 × 7 = 35, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि इस डिजिट से बिग नहीं होना चाहिए, कितना बचेगा 4, 3 में 3 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं, तो आंसर कितना आगे 7 × 4/5, 7 × 4/5, ओके, दिस इज आंसर। पॉइंट इज 3 × 4/7 × 3/5, ठीक है, 7 × 3 = 21, 21 में 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25/7, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर 7 है, मल्टीप्लाई 3/5, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 3 = 75, 75 × 35, अभी कट हो रहा है तो उसको कट कर देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, 2 बचेगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 15/7, अब ये डिवाइड हो रहा है तो अपन इसका डिवाइड कर देंगे, 7 × 2 = 14, ठीक है, 15 में 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो आंसर आ गया 2 × 1/7, ठीक है, 2 × 1/7, ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, अब ग्रेटर देखिए कि मींस इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, अभी देखिए इतना ये इतना अपना एक सम्स है और इतना ये एक सम्स है और लगा है, तो मींस इन दोनों में से और इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है ये बताना है, ठीक है, तो मींस ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई लगाएंगे, इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई लगाएंगे, आमने सामने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से चेक करेंगे कि कौन सा बिग है। तो अब ये देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब 2/7, ठीक है, ऑफ की प्लेस पर लगाते हैं मल्टीप्लाई, यू नो 3/4, ठीक है, और है तो मींस ये बताने कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बिग है, तो और की प्लेस पे अपन कॉमा लगा देते हैं, 3/5 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है, पहले इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कट हो रहा है तो अपन कट कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, ये 5 से 5 यहाँ कट हो गया, अब ये क्या बचा 1 में, अपसाइड क्या बचा 1 और 3 में, 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14, कोमा 3 × 3 ओनली 3 बचा था, अपॉन में 8 है, ओके, अब ये बताइए क्या इन दोनों से पता चल रहा है कि कौन सी डिजिट बिग है, नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो इसके ये पता करने के लिए अपने पास दो तरीके, या तो एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये तरीका है कि ये देखिए इतना अपन ने सोल्व कर लिया कि ऑफ की प्लेस से मल्टीप्लाई लगा लिए बोथ साइड, ठीक है, अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तभी अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है, गोट इट, तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ते हैं, तो यहाँ पे 8 है तो इसके
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एट का मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर में कितना था 14, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 14 का मल्टीप्लाई, गोट इट, बस इतना करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी आएगी यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। अब ये देखिए 14 3 जा 42, ठीक है, 14 8 जा 112, ठीक है, टेबल आती ही है। अब इसे पता चला है कि कौन सी डिजिट ग्रेट है, कैसे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है सेम आ गए हैं, ठीक है, सेम कैसे हैं, बस आप लोग क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा दोनों का वो अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें और इसका इसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो आप लोग इजिली न्यूमरेटर से पता कर सकते हैं कि कौन से डिजिट बिग है। यहाँ से देखिए 42 बिग हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, 24 अपॉन 112, तो ये ग्रेटर है क्योंकि 42 24 से ग्रेटर होती हैं, बिग होती हैं, 42 अपॉन 112, गोट इट। अगर ये ग्रेटर है ये स्मॉल है, तो ये कौन सी डिजिट से बनी है उसी के आप चलते जाएंगे, किससे, इससे, ठीक है, जो ग्रेटर है ना, तो वही अपन राइट करेंगे, 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर, तो इसके आंसर में क्या राइट कर देंगे, 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर, गोट इट, यही बोला गया था, जो भी डिजिट पिक होगी तो उसी की अप साइड देख लें कि अपन किस साइड से आ रहा है, अगर ये वाली ग्रेटर होगी तो इस साइड से देख लें कि अपन किस साइड से आ रहे हैं, गोट इट, तो ये अपना आंसर आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7 और 2 अपॉन 3 ऑफ 3 अपॉन 5, तो ये इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है क्योंकि इनके बिटवीन ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, और की प्लेस कॉमा लगा ली क्योंकि अभी अपन को पता नहीं कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है। 1 अपॉन 2 ऑफ की प्लेस मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, 2 अपॉन 3 ऑफ की प्लेस मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, ओके, केस में से कौन सी डिजिट कट हो रही है, यस 2 से 6 कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ से न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 अपॉन में 7, ठीक है, कॉमा 2 और यहाँ पे क्या बचा 5, ठीक है, तो अभी देखिए इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मैंने क्या बोला था, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों में, न्यूमरेटर दोनों में कर देते हैं, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सिर्फ अपोजिट कर देना तो आप लोगों के डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, ओके। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 3 15 5 7 35, गॉट इट, तो अब ये देखिए 7 2 14 7 5 35, ठीक है, अब इससे ग्रेटर कौन सा है, 15 वाला ग्रेटर है, तो किस साइड आएगा साइन, इस साइड आएगा, ठीक है, तो अब ये देखिए क्योंकि 14 और 15 में से 15 ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इससे अपन पता कर सकते हैं 15 किससे बना है, 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7 इज ग्रेटर, गोट इट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, गोट इट। सेकेंड पॉइंट कंप्लीटेड, क्वेश्चन इज सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, इन सेली के गार्डन में 4 सैपलिंग्स एट अ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3 अपॉन 4, डिस्टेंस कितनी कितनी है, 3 अपॉन 4 की डिस्टेंस है, फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स, ठीक है, उनकी डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट और लास्ट। सेली प्लांट्स इन अ रो इन हर गार्डन, ठीक है, इस तरीके से लाइन से बनाएंगे, इज इक्वल टू कितनी 4 सैपलिंग्स, डिस्टेंस कितनी है 3 अपॉन 4, अभी क्वेश्चन में रीड किया है डिस्टेंस है 3 अपॉन 4, मीन्स क्या है, मीन्स समझा रही हूँ, मीन्स क्या है कि 3 अपॉन 4 की डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो 1 कितना, ये देखिए 3 अपॉन 4 है, पार्ट कितने है 4, अपॉन में कितना है 4, तो पार्ट कितने होंगे 4, 1 2 3 4, और कितनी कितनी डिस्टेंस पर हैं 3 अपॉन 4 की डिस्टेंस पर हैं, 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4, अब उनको बताना क्या है, टोटल डिस्टेंस बताना है, 3 अपॉन 4 मीन्स टोटल डिस्टेंस, मीन्स ये देखिए 3 अपॉन 4 की डिस्टेंस पर तीनों सैपलिंग्स हैं, और टोटल मीन्स अगर तीनों का प्लस कर देंगे तो उन तीनों का टोटल आ जाएगा,
3/4 + 3/4 + 3/4 ठीक है। तो मींस 4 4 मीन्स 4 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम आ गया। अपसाइड किया 3 + 3 + 3 तो इसे राइट कर दिया 3 3 6 and 3 9/4 तो कितना आ गया 2 1/4 किस तरीके से आएगा 4 में 9 का डिवाइड करने के बाद। अब ये देखिए किसमें 4 का 9 में डिवाइड करना है 4 2 8 कितना बचा 1 ठीक है। कितना जाएगा 2 1/4 2 1/4 मीटर ठीक है। ये टोटल इसकी डिस्टेंस है गोट इट ठीक है। इसको 3 पार्ट पे ही डिवाइड क्यों किया था मींस इसका 3 टाइम ही क्यों आया क्योंकि बोला गया कि 4 सैपलिंग्स हैं ठीक है। और मींस 4 पार्ट इसलिए अपन ने किए थे इसके 4 पार्ट क्योंकि इसमें 3/4 है और 4 सैपलिंग्स हैं गोट इट। दिस इज आंसर क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 6 इज लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे मीन्स लिपिका है एवरी डे 1 3/4 आवर्स बुक रीड कर रही है ठीक है। 1 आवर कंप्लीट है ठीक है और 3/4 ठीक है मीन्स 2 आवर कंप्लीट नहीं है इतने आवर्स वो बुक रीड कर रही है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज 6 डेज में उसने बुक कवर कर ली। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर्ता रीड्स द बुक। अब टोटल आवर्स बताना है कि टोटल आवर्स मीन्स एवरी डे मीन्स 1 डे का है ये कि 1 डे में उसने इतने आवर्स बुक रीड कर रही है 1 डे में ठीक है। और 6 डेज का बताना है कि टोटल आवर्स कितने हुए कि टोटल आवर्स उसने कितने मीन्स टोटल आवर्स पूरे 6 दिन में 6 डेज में कितने आवर्स कवर किए ओके। लिपिका रीड्स अ बुक एवरी डे लिपिका बुक रीड करती है एवरी डे 1 3/4 आवर्स ठीक है। जो भी लाइन गिवन होगी वो अपन इस तरीके से राइट कर देंगे ओके। सी रीड्स द एंटायर बुक 6 डेज ठीक है। 6 डेज में उसने बुक कवर की थी। अब अपन को बताने के क्या बताना है टोटल आवर्स। अब ये देखिए कि मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कब होता है। अब ये देखिए मैंने बताया था कि अगर नहीं पता हो ठीक है समझ नहीं आए तो मैं एक बार और वन टाइम रीड कर रही हूँ। अगर एवरी डे मीन्स हर एक डे का पूछा गया है ठीक है हर एक डे का गिवन है 1 3/4 आवर्स और 6 डे का अपन को बताना है तो क्या होगा मल्टीप्लाई मीन्स अगर कम का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई होता है ओके। और ज्यादा का दिया हो कम का पूछा हो तो क्या होता है डिवाइड होता है ठीक है। लेकिन ये तो 6 डे का बताना है और 1 डे का गिवन है मीन्स 1 डे के आवर गिवन है और 6 डे के आवर अपन को बताना है तो मीन्स ज्यादा का बताना है ना तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई तो टोटल आवर्स बताना है तो 6 × 1 3/4 ठीक है। 6 × मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 4 × 1 = 4 और 3 + कर देंगे कितना 7/4 जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में ही आता है ओके। 2 3 = 6 2 2 = 4 कट कर देंगे तो कितना बचा 7 3 = 21 2 1 = 2 ओके। तो अब इसको 2 में 21 का डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 2 1 = 2 ठीक है। 2 में 2 कट कर देंगे अब कितना बचा 1 अगर डिवाइड नहीं जाता तो अपन यहाँ पे क्या लगा लेते हैं 0 ओके। तो आंसर कितना जाएगा 10 1/2 इस तरीके से आंसर कितना जाएगा 10 1/2 आवर्स ठीक है। ये क्या है आवर्स मीन्स अपन को टोटल आवर्स बताना था तो ये अपने क्या आ गए आवर्स ओके। दिस इज आंसर क्वेश्चन 6 कंप्लीटेड एंड 7 क्वेश्चन इज ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 16 किलोमीटर चल रही है उसमें पेट्रोल का 1 लीटर यूज हो रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर की होगी उसमें कितना लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है 2 3/4 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है ओके। तो टोटल डिस्टेंस अपन को बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अ कार रन्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ठीक है 16 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बताना है 2 3/4 × 16 ठीक है। तो मींस क्या है इतने लीटर जो पेट्रोल उसने जितनी भी डिस्टेंस है इतने लीटर पेट्रोल उसमें लगा हुआ है ठीक है। और 1 लीटर मींस
ऑफ पेट्रोल, जो कार चलती है तो उसमें 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है कितना, 16 किलोमीटर चलने पर, तो 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मिक्सचर फ्रिक्शन को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 2 8 और 3 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 1, 4 4 16 कितना जाएगा 11 मल्टीप्लाई 4, 11 4 44 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 44 किलोमीटर। ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 8 इज प्रोवाइड द नंबर्स इन द बॉक्स। इस बॉक्स में अपन को बताना है कि क्या आएगा, सच डेट 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 10/13। अभी देखिए 2/3 में ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10/30 ही आए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसका मींस ऐसी डिजिट ही आना चाहिए कि 2 में डिजिट का जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 आए, और 3 में जो डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 30, ठीक है। तो अब ये बताइए 2 में टेबल रीड करिए कि 10 आ जाए, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो मीन्स क्या है 5 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहे हैं। ये देखिए 5 का मल्टीप्लाई करें 10 आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रीड करके देखना है। अब 3 10 से 30 होती हैं, तो मीन्स किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 का, तब 30 आएंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया 5/10, गोट इट। तो ये पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10 इन, मीन्स जो भी नंबर आया है अभी इसमें जो मल्टीप्लाई है ना, इसमें जिसका ही मल्टीप्लाई किया उसका सिंपल फॉर्म बताना है, ठीक है। सिंपल फॉर्म मीन्स उसको कट करके, यहाँ पे कितना आया अपना 5/10 आया, ओके 5/10 आया। तो अब ये देखिए कि ये जो 5/10 आया है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में से इसको कट करके 5 1 5 5 2 10, तो कितना आना चाहिए 1/2, मीन्स इसी को कट करके जो भी आंसर आए इसको कट करके 1/2, ठीक है। तो मीन्स इसका आंसर क्या जाएगा 1/2, गुड। सिंपल फॉर्म मीन्स कट करके। तो अब ये देखिए बी का फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड नंबर इन द बॉक्स सच डेट, वही सेम कंडीशन है, 3/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 24/75 आ जाए। तो अब ये देखिए बी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है, तो मींस क्या है 3/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 24/75 आ जाए, ठीक है। 3 8 24 होते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 8 24 ही तो होते हैं, तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 आएगा। अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आ जाए, कैसे पता चलेगा। अब इतनी बड़ी डिजिट का, क्योंकि 5 10 जाए तो 50 ही होते हैं, 50 तक अटक गए, लेकिन 75 नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा। तो उसकी भी एक ट्रिक है, आप 5 में 75 का डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 1 5 कितना बचा 2 5 5 25, तो ये देखिए इससे पता चल गया कि कितना आना चाहिए 50, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करने पर 75 ही आएगा। आप देख सकते हैं 15 5 75 होते हैं, गोट इट। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्या आ गया इसमें 8/15। तो फर्स्ट में क्या आएगा 8/15 यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स उसको कट करके। अब ये बताइए कि 8/15 को कट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो ये कट हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा सेकंड पॉइंट का भी 8/15, क्योंकि ये कट नहीं हो सकता, ओके। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे 8/15, गोट इट। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।